हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक शैलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आरबीआई की तरफ से एक रूल आया है, उसी रूल के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। या फिर सात ऐसी जगह है जहाँ पे आप आगे से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे आपके क्रेडिट कार्ड से। अगर आप फिर भी ये नियम तोड़ के यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो आपका क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है, या फिर बैंक आपके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे पनिशमेंट या फिर पेनल्टी यहाँ पे चार्ज कर सकती। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आरबीआई की तरफ से एक रूल आया है, उसी रूल के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्रेडिट कार्ड लेना इतना आसान हो गया है कि आप इजीली किसी भी प्राइवेट बैंक का क्रेडिट कार्ड, अगर आप जॉब करते हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, तो एकदम इजीली आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। बट उस क्रेडिट कार्ड को संभालना और क्रेडिट कार्ड के नियम और कानूनों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कैसे भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे तो आपके ऊपर भारी भरकम चार्जेस लगते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का आप सही से इस्तेमाल नहीं करूँगा, जिन जगह पर आप ट्रांजेक्शन नहीं करें उन जगह पर अगर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपका कार्ड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा। तो कौन सी वो जगह है, कौन से वो ट्रांजेक्शन है जो आप अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है, बैंक कोई भी क्या करती है, आप लोगों को क्रेडिट कार्ड आराम से प्रोवाइड करती है। प्राइवेट लिमिटेड बैंक आपको आराम से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। अगर आप एक सैलराइड हो, आप यहां पे कोई बिजनेस करते हो और अच्छी खासी अर्निंग आपकी है, तो आराम से बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है। बैंक चाहती है, बैंक क्या करती है, आपका इवन आपका इनकम महीने का जितना है उससे ज़्यादा का लिमिट आप लोगों को बैंक प्रोवाइड करती है। बैंक ऐसा क्यों करती है, बैंक चाहती है कि आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा खर्चे करें और यहाँ पे उसका टाइम टू टाइम पेमेंट ना कर पाए, या फिर इतना खर्चा करें कि आप उस ट्रांजैक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट कर दें। एक बार ट्रांजैक्शन को आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया तो बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी, यहाँ पे जीएसटी वगैरह आपको फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ से बैंक का फ़ायदा होता है, फिर बैंक का बेनिफिट होता है, आप बोल सकते हो। तो यही चीज़ें जिसके लिए बैंक आप लोगों को ईजीली क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से बैंक अपना फ़ायदा कर सकते हैं, यहाँ पे अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करके ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके मैं सात तो वो जगह ये बताऊंगा जिस जगह पे अगर आप आगे से यहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे क्रेडिट कार्ड से तो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बैंक यहाँ पे ब्लॉक कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से लॉटरी का टिकट या फिर लॉटरी परचेस नहीं कर सकते। आगे से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से लॉटरी या लॉटरी का टिकट परचेस करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड बैंकों की तरफ से यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे आपका कार्ड ब्लॉक करके ऊपर से आपको ऊपर कोई तो मतलब चार्जेस वगैरह वसूला जाता है। चार्जेस वगैरह के बारे में तो आरबीआई ने कुछ डिस्कस नहीं किया, बट आरबीआई ने बोला है कि इन सात जगह पर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आता है कि आप लॉटरी अब अपने क्रेडिट कार्ड से परचेस नहीं कर सकते। नियम की बात करें तो आप लोग अब यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग आप अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाने का काम करते थे, या फिर यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए पैसे का काम करते थे। तो यहाँ पे आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग आप अपने क्रेडिट कार्ड से आपसे नहीं कर पाओगे। अगर आप फिर भी करोगे नियम तोड़ के ट्रेडिंग वगैरह तो यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बैंकों की तरफ से बंद हो सकता है। तो ये दूसरा नियम आरबीआई की तरफ से आए। साथ ही साथ तीसरे नियम की अगर हम बात करें तो कॉल बैक सर्विसेज आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से नहीं ले सकते, या फिर कॉल बैक सर्विसेज के लिए आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पा सकते। अगर आप फिर भी यूज़ करोगे तो यहाँ पे आरबीआई अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के लिए अपने बैंकों को बोल देगी, या फिर बैंक खुद से आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा देगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पे तीन नियम जाने। अगर हम चौथे नियम की बात करें तो यहाँ पे आप लोग आगे से बेटिंग के लिए या फिर सट्टेबाजी के लिए आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते। मतलब क्या करता है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर सट्टे लगाते हैं, क्रिकेट पर सट्टा लगाना या फिर कोई भी अलग अलग जगह पे सट्टेबाजी करते हैं, तो वहां पे पेमेंट के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड इससे पहले यूज करते थे तो आप सावधान हो जाए, आगे से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का यूज मत कीजिए। अगर आप फिर भी क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे तो आपका कार्ड बैंक की तरफ से यहाँ पे ब्लॉक करवा दिया जाएगा। तो ये चौथा नियम है। अगर हम पांचवें नियम की बात करें तो घुड़दौड़ पे अगर आप पैसे लगाते थे क्रेडिट कार्ड से, जिसे आप स्पेट के उस तो वर्ड है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है उस वर्ड के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पे घुड़दौड़ पे सट्टेबाजी या फिर किसी भी तरह की सट्टेबाजी नहीं करता। अगर आप आसान भाषा में बोलूँ तो घुड़दौड़ पे अगर पैसे लगाते हो आप, घोड़े दौड़ने की जो रेस वगैरह होती है वहाँ पे अगर आप पैसे लगाते हो तो वहाँ पे आगे से क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं लगा पाओगे। अगर आप लगाओगे तो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये था पांचवा। अगर हम छठे नियम के बारे में बात करें तो आप जुए से जुड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मतलब जुआ वगैरह जो लोग ऑनलाइन जुआ वगैरह खेलते हैं और वहाँ पे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, तो वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन आप आगे से नहीं कर पाओगे। अगर आप फिर भी ट्रांजैक्शन करोगे नियम का उल्लंघन करके तो आप लोगों के ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस बैंक लगा सकती है, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड तो ब्लॉक होने ही वाला है। तो एक चीज़ थी, मतलब एक नियम था। अगर आप लोग सातवें नियम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बैन मैगजीन पे अगर आप खरीदने के लिए
क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मूवीज इंडिया में ब्लॉक होती है, बहुत सारी यहाँ पे मैगजीन इंडिया में ब्लॉक होते हैं। अगर वैसे मैगजीन आप पढ़ने के लिए यहाँ पे परचेस करते हो जो इंडिया में बैन है, ऐसी चीज़ें अगर आप पढ़ने के लिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का मतलब यूज़ करके ऐसे मैगजीन अगर आप परचेस करते हो तो यहाँ पे RBI ने यहाँ पे इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपका कार्ड ब्लॉक करवा दिया जाएगा। यही कुछ नियम थे जहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर आप RBI के नियमों का उल्लंघन करके अगर यहाँ पे ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। बस आज के वीडियो में इतना है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।